वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है डीजे के सिंह और आप देख रहे हैं एके फल मोबाइल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप ढोल की लूप से ढोल की पैटर्न कैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने पैटर्न को बनाया है और ये पैटर्न सबसे ज़्यादा हिंदी जो ओल्ड सॉन्ग होते हैं, जो पुराने सॉन्ग होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का जो भी पैटर्न होता है तो आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो इसको सुन लीजिए कि मैंने किस प्रकार से बनाया है, उसके बाद से मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले सुन लीजिए, और इसमें मैंने दो पैटर्न से यूज़ किए हैं। तो पहला जो पैटर्न है वो सुन लीजिए, इसको तो कैंसिल करते हैं। और पहला जो ये हमारा पैटर्न है वो बज रहा है, तो पहले सुन लीजिए। कुछ इस प्रकार से बज रहा है। अब चलिए दूसरा देखते हैं, इसको बंद कर देंगे और इसको चालू करेंगे। अब सुनिए, तो आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको इसको न्यू कर देना है, सॉरी यहाँ से गलत हो गया, यहाँ से न्यू करके एम्प्टी लेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से आपका एक न्यू पेज को ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से मैंने आपको जो ढोल की लूप से पैक दिया था उस पैक को आपको ले लेना है। ठीक है, तो चलिए ऑडियो की लूप पर जाएंगे और जहाँ पर भी आपने उस पैक को रखा होगा वहाँ चले जाइए। तो मैंने आपको जो पैक दिया था वो यहाँ पर है, ये वाला ढोल की लूप। तो इसमें से आप जो पैक आपको चाहिए वो ले लीजिए। देखिए ये वाला पैक है, ये दोनों, या ये भी आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो चलिए मैंने इसको ले लिया। इसको लेने के बाद से आप देख सकते हैं कि ये जो लूप्स होते हैं वो दो बार में होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको इसका जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका बीपीएम भी आप अच्छी तरीके से अपने गाने के हिसाब से सेट कीजिएगा। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको छोटा कर देना है, यानी परफेक्ट इसको बैच कर देना है। देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से बैठ चुका है। अब क्या करेंगे, अब पहले इसको बजा कर चेक कीजिए। चुका है, अब क्या करेंगे, हम इसके नीचे आप किक लगाएंगे। तो किक कैसे लगाया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं कि हिंदी गाने में किस प्रकार से किक यूज करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए जाइए जहाँ पर भी आपने किक को मैंने दिया है उस किक को आप ले लीजिए, जो कि मैं आपको इसमें यूज करने वाला हूँ। ये किक आप देख रहे हैं, इस किक को मैंने आप लोग को दिया है, ये किक बहुत ही अच्छा है, इस किक को ले लेंगे। और इस किक को हम कहाँ लगाएंगे, जिस प्रकार से हम हर जगह फोर बीट से लगाते हैं उस प्रकार से आपको इसमें भी लगा देना है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से मैंने फोर बीट्स को लगा दिया है, और इसको थोड़ा लंबा है तो ये काट देंगे क्योंकि इसके अंदर हमारा कुछ है नहीं, आप जूम करके देख सकते हैं। और हर बार के एक एक पर लगा देना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और फिर से इसको भी हम क्या करेंगे, कॉपी करके इस बार में भी डाल देंगे। उसके बाद से हम सुनते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है, यानी कैसा ये बजता है, तो चलिए सुन लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कैसा बज रहा है। अगर आप चाहें तो दूसरा भी किक आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक और किक दिखा रहा हूं आपको, वो भी किक ए वाला, इसके अंदर जाएंगे। ये वाला नहीं दिखाता हूँ मैं, 13 नंबर जो किक है इसको भी आप लगाना चाहते हैं तो उस प्रकार से लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया, तो इस प्रकार से आप लगा दीजिए। देखिए, और इस किक को मैं क्या करूँगा, बंद कर दूंगा और उसके बाद से मैं चलाऊंगा। देखिए अब
क्या करना है अभी किक के नीचे आप एक घुंघरू टाइप के डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए यहाँ से एक हम पैटर्न ले ले रहे हैं और इसमें एक हम घुंघरू डालेंगे। तो चलिए एक घुंघरू हम डाल लेते हैं या थंब जो भी आप डालना चाहते हैं आप डाल लीजिए। तो ऑल और यहाँ पर होगा घुंघरू ये वाला, इसको डाल देंगे 4 स्टेप। आप सुनिए, और ये घुंघरू हम सबसे ज़्यादा किसी भी पैटर्न पर यूज कर सकते हैं। आप सुनिए पहले और मज़ा दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप घुंघरू डाल दीजिए के नीचे तो और ही भी अच्छा लगेगा, बहुत ही बेस्ट लगेगा। ये यहाँ पर डाल दिए, अब इस किक को हम बंद कर देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। आप सुनिए, तो दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छा किक्स मतलब यानी जो पैटर्न हमने बनाया है बहुत ही अच्छा बैठ चुका है। और भी आप कोई भी लूप्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए, जैसे कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये गलत से हो गया। और भी कोई एक लूप्स ले लीजिए उसी में से ढोल की लूप्स, ठीक है। और आप बैठा कर चेक कीजिएगा तो अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। और हर मतलब लूप्स पर नहीं बैठता है, लेकिन आप जो बैठने वाला लूप्स होगा उसी पर आप यूज कीजिएगा, इस पर नहीं बजेगा, इस पर 4 स्टेप नहीं बैठेगा। और इस पर बैठ जाएगा, इस पर भी बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये देखिए छोटा है तो क्या करेंगे इसके थोड़ा बड़ा कर देंगे, यानी जो लूप्स होते हैं वो सिंगल और डबल होते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि ये लूप्स जो आपका है सिंगल है या डबल। तो फिर से आप सुनते हैं नीचे वाले को, तो देखिए कितना अच्छा बैठ जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप हुक्स डालेंगे, चलिए एक हुक्स डालने की कोशिश करते हैं। कोई भी आप हुक्स ले लीजिए, जैसे मैंने आप लोग को हुक्स दिया है वो वाला हुक्स इसके अंदर जाएंगे। उसके बाद से आप इसमें से हुक्स, चलिए इसको ले लेते हैं और इस प्रकार से हुक्स को डालते हैं। आपको पता ही होगा सफ़ेद के तीसरे में और सफ़ेद के तीसरे में, और बजा कर कोशिश करते हैं। देखिए अच्छा नहीं बज रहा तो दूसरा डालेंगे क्योंकि ओवर हो जा रहा है ये वाला। आप सुनेंगे इसको कितना अच्छा बज रहा है, तो चलिए इसमें भी डाल देते हैं। आप सुनिए, तो दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छा आपका पैटर्न बन चुका है। तो इस प्रकार से आप ढोलकी लूप्स को यूज करके एक अच्छा पैटर्न बना सकते हैं। और इस पैटर्न को आप देख लीजिएगा भोजपुरी गाने में भी किस में यूज किया जाता है, ठीक है, जो लाइव रिकॉर्डिंग होती है। और आप इसको हिंदी गाने में सबसे ज़्यादा इस पैटर्न को यूज कीजिएगा, क्योंकि ओल्ड जो सॉन्ग होते हैं वो ढोलकी पर ज़्यादा बनाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से यूज करके आप अपने गाने को बहुत ही बेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।